पलामू का नीलांबर पताम्बरपुर अंचल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहां पर सीएनटी जमीन की अगर बात की जाए तो आपको बता दें सीएनटी जमीन को लेकर एक नया विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। दरअसल आपको यहां पर बताएं, पलामू का नीलांबर पताम्बरपुर अंचल भ्रष्टाचार का अड्डा बना है और सीएनटी जमीन को जनरल बनाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पलामू के लेसलीगंज अंचल का खेल, सीएनटी जमीन करवा दी सामान्य जाति के नाम। खाता नंबर 21 के प्लॉट नंबर 1256 में है जमीन। पहले जमीन की रसीद थी चतुरे भुइया के नाम, बाद में उसी जमीन को एक रजिस्ट्री का हवाला देकर कर दिया सिन्हा जी के नाम। 2023 के एक डीड का दिया गया हवाला। अब टीवी 45 पूछता है सवाल, सीएनटी जमीन कैसे हो गई किसी जनरल को रजिस्ट्री? लेसलीगंज अंचल के सीआई की इस मामले में क्या है भूमिका? पलामू जिला प्रशासन इस मामले पर चुप क्यों है? पलामू डीसी साहब मामले को लेकर चुप क्यों है? क्या पलामू में है सीएनटी जमीन लूट की इजाजत? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रांची से झारखंड स्टेट हेड अभिषेक भारती जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, हमने इस रिपोर्ट को देखा और समझने की कोशिश की, झारखंड की राजनीति, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, डोमिनशाही सरना कोड और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये कुछ ऐसे मसले हैं अभिषेक जी जो राज्य बनने के दिन से ही उलझे हुए हैं। जिसने भी इसमें हाथ डालने की कोशिश की उसे नुकसान उठाना पड़ा। हेमंत सरकार ने आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए बने सीएनटी एक्ट 1908 में बदलाव की बात कही थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अंग्रेजों ने आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए बनाया था और सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 49 आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को नियंत्रित करता है। इसकी धारा 46 ए के तहत आदिवासी भूमि किसी आदिवासी को ही हस्तांतरित हो सकती है और इसके लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता भी रखी गई है। किसी एक थाना क्षेत्र का कोई आदिवासी दूसरे थाना क्षेत्र के किसी आदिवासी की जमीन को नहीं खरीद सकता। इसके बावजूद भी अभिषेक जी आदिवासियों की जमीन हाथ से निकल रही है और इससे जुड़े हजारों जो मामले हैं वो कोर्ट में भी लंबित हैं। अब जो ये मामला है जिसमें सीएनटी जमीन सामान्य जाति के नाम करवा दी जाती है, सवाल यह है अभिषेक जी, सीएनटी जमीन पर आखिर कैसे हो गई किसी जनरल को रजिस्ट्री और इसमें लेसलीगंज अंचल की जो सीआई हैं उनकी क्या भूमिका और पलामू जिला प्रशासन इस मामले पर आखिर चुप क्यों है? पलामू डीसी इस मामले को लेकर चुप है। पलामू में सीएनटी जमीन की जो बात है वो इस तरह से खुली परमिशन दे दी जाती है? देखिए लोकेश, इसको समझने की जरूरत है। जैसे हम इंसानों में जाति कभी नहीं बदलती, मैं जिस जाति का हूं मेरा जाति कभी नहीं बदलेगी, धर्म मैं अपने हिसाब से बदल सकता हूं, संविधान इजाजत देता है कि भाई मैं अपना धर्म बदल सकता हूं, मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं, लेकिन मेरी जाति कभी नहीं बदल सकती। बिल्कुल इसी तरीके से एक जमीन है, उस जमीन का नेचर कभी नहीं बदल सकता है, उस जमीन का मालिकाना हक किसी से किसी के पास जा सकता है, लेकिन उस जमीन का नेचर जो है वो कभी नहीं बदल सकता। अब आते हैं आदिवासी शब्द। आदिवासी शब्द वो शब्द होता है जो डिस्क्राइब करता है एक कम्युनिटी को, जो आदिकाल से इस पृथ्वी पर वास करते हैं वो आदिवासी होते हैं। उसके बाद कुछ आदिवासियों को एसटी में रिजर्व कर लिया गया, कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो आज भी एसटी के दायरे में नहीं है। एसटी के दायरे में यानी शेड्यूल ट्राइब के दायरे में आना ना आना एक बहस का विषय हो सकता है। अब मैंने इतना ज्ञान क्यों दिया ये समझिए, आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए जिस अधिनियम का आपने नाम लिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इस नियम को लाया गया। नियम के तहत कई प्रावधान किए गए कि भाई आदिवासियों की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकते हैं, सामान्य वर्ग वाले नहीं खरीद सकते। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है
कि सिर्फ एसटी के लिए प्रावधान नहीं था, एसटी के अलावा और कई जातियों को इसमें शामिल किया गया, जैसे भूइया, भोक्ता, कई महतो, इस तरीके की जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में थाना की भी बाध्यता डाली गई। थाना की बाध्यता यह थी कि मान लिया अभिषेक भारती एक आदिवासी है, लोकेश जगवानी दूसरे आदिवासी है, लेकिन अभिषेक भारती रांची में रहते हैं, लोकेश जगवानी पलामू में रहते हैं, तो रांची वाले आदिवासी पलामू वाले आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते। अब इसमें और है, लोकेश जगवानी की जमीन अगर पलामू के लेस्लीगंज अंचल में है, लेकिन अभिषेक भारती जो है वो किसी दूसरे अंचल के रहने वाले पलामू जिले के ही है, तो भी मैं आपकी जमीन नहीं खरीद सकता। लेस्लीगंज अंचल जो कि अब नीलांबर पीतांबरपुर अंचल के तर्ज पर जाना जाता है, मात्र 14 डिसमिल जमीन की बात है, 13 डिसमिल और 1 डिसमिल, खाता नंबर 21, प्लॉट नंबर 1256। इस जमीन को चतुरी भुइया के नाम से इसकी रसीद कटी हुई है, लेकिन एक सेल डीड के आधार पर इस जमीन का नेचर बदल दिया जाता है। अच्छा। बताइए जमीन का नेचर कैसे बदल सकता है, एक जो सिन्हा जी हैं उनके नाम पर जमीन की रसीद काट दी जाती है। मैं तो ईडी से रिक्वेस्ट करूंगा, हे ईडी महोदय, कांके अंचल तो आप देख ही रहे, एक बार नीलांबर पीतांबरपुर चलिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ एक घंटा वहां घूम लीजिए। मैं बता रहा हूं भगवान क्या होंगे जो आदर सत्कार आपको मिलेगा जी। अंचल में वहां यह स्थिति कर दी गई है, यह स्थिति कर दी गई है, इतनी लूट मचाई गई है। वहां पर एक सीआई है महेंद्र राम के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश है कि मैं क्या बताऊं जी। सीओ साहब तो काट के उल्लू बने हुए हैं, एक्शन लेते ही नहीं। डीसी साहब के बारे में क्या ही बोलो, भगवान जाने कौन सी मजबूरी है जो वो इस मामले में ना सवाल करते हैं ना जवाब देते हैं, पूरा प्रशासन बैठा हुआ है। तो आखिर ऐसे मामलों में आम लोगों के को जो इंसाफ है वो कौन देगा, कैसे देगा। मैं कहता हूं कि रांची में अगर अभिषेक भारती के साथ कुछ भी गलत हो, मैं कहता हूं चार लोग आकर के अभी अभिषेक भारती को पीटने लगे तो अब मेरे पास क्या उपाय है। मेरे पास दो उपाय है, अव्वल मैं यहां जो मेरा थाना पड़ता है उस थाने को शिकायत करूंगा जी। सेकंड, थाना नहीं सुनेगा तो एसपी के पास जाऊंगा। तृतीय, जब एसपी नहीं सुनेंगे तो एसएसपी के पास जाऊंगा, और जब कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट का रुख करूंगा। यही चार ऑप्शन है, पांचवा तो कोई ऑप्शन नहीं है। पलामू के लोगों के लिए अंचल में सीओ के पास फरियाद कर ली है, नीलबट्टे सन्नाटा। सीआई साहब तो खुदे खेला कर रहे हैं तो वो तो नीलबट्टे सन्नाटा। डीसी साहब सुनते ही नहीं है, डीसी और आम लोगों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, नीलबट्टे सन्नाटा। अब ले दे के ईडी ही उपाय बना है। आप सोचिए कि वहां के लोग मुझे फोन कर करके इंसाफ के लिए बोल रहे हैं कि अभिषेक भैया कम से कम आप तो आवाज उठाइए, ये स्थितियां लोकेश, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थितियां है। हाय रे अमर सोना झारखंड लोकेश जी। अच्छा अभिषेक जी, ये तमाम जानकारी हमने आपसे जानने की कोशिश की। देखिए अभिषेक जी, यहां पर पलामू का नीलांबर पीतांबरपुर अंचल भ्रष्टाचार का अड्डा तो बना हुआ, ये समझ लिया हमने। यहां सीएनटी जमीन को जनरल बनाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा, लैंड स्कैन समेत अन्य भूमि के दस्तावेज छेड़छाड़ करते हुए उसके खरीद बिक्री करने वालों पर जब केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कैसे जाली पेपर बनाकर जमीन का गौरख धंधा करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। पलामू का लेस्लीगंज अंचल आखिर कैसे इस खतरनाक खेल को खेलता आ रहा है और कब से खेलता आ रहा है। देखिए झारखंड अलग राज्य जब से बना ना, तब से यहां पर सरकारें नहीं बनी, यहां पर अधिकारी बने। इस राज्य को अधिकारियों ने चलाया हमेशा से, और ये मत सोचिए कि ये राज्य को चलाने वाले सिर्फ आईएएस लेवल के अधिकारी हैं ना। आईएएस का भी कान काटा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले अधिकारियों ने। पूजा सिंघल के पास नोट मिला तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, आलमगीर आलम के जो पीओन है उनके यहां नोट मिला तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन मैं यहां चैलेंज मारता हूं अंचल अधिकारियों के यहां और उनके साले, बहनोई, चाचा, भतीजा, इनके यहां छापा मारिए। भगवान की कसम बता रहा हूं, नोटों का वो पहाड़ निकलेगा,
नोटों का वो पहाड़ निकलेगा, नोटों का वो पहाड़ निकलेगा। आजाद भारत का इससे बड़ा घोटाला, जमीन से बड़ा घोटाला कभी नहीं होगा। आप सोचिए ना लोकेश जी, दो साल पहले से अभिषेक भारती चिल्ला रहा था एनआईसी गड़बड़ी कर रहा है, एनआईसी गड़बड़ी कर रहा है, तो पता है रिएक्शन क्या आता था? भगलोल है ये आदमी, ये कुछ भी बोलता है। मेरे पत्रकार मित्र मेरे ऊपर हंसते थे कि कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों पर कोई कौन सुनेगा इसकी बात को, एनआईसी केंद्र सरकार की एजेंसी, वहां से गड़बड़ी हो सकता है। ये स्थितियां थी, अब जब धरा रहा है तो नहीं नहीं अब ठीक बोलता था, तो अब सब चुप मार दिया है, अधिकारी चुप मार दिए हैं, सीओ लोग चुप मार दिए हैं। मैं दो साल से भौंक रहा था, लिटरली भौंक रहा था कि एनआईसी से गड़बड़ी हो रही है, ऑडियो दिखा रहा था मैं, दस्तावेज दिखा रहा था। इसी तरीके से मैं चैलेंज मारता हूं ईडी, सिर्फ कुछ चुनिंदा अंचल को घूम ले सिर्फ ईडी के अधिकारी, अभी तो सिर्फ कांके अंचल घूमे ना, एक बार रातू अंचल घूमी है, और मांझी घूमी है, आप घूमिए नगड़ी अंचल, आप घूमिए हेहल अंचल, और आप घूमिए पलामू, आप घूमिए चंदन कियारी, आप घूमिए गोविंदपुर धनबाद, इन सब अंचलों में घूमिए, कुछ मत करिए। अरे 10 रुपए के चाय तो आप पी सकते, नहीं पी सकते तो 10 रुपए की औकात मैं भी रखता हूँ, अपनी सैलरी से 10 रुपए की औकात की चाय पिलाऊंगा आपको, कुछ मत करिएगा। आप सिर्फ वहां लोगों की फरियाद सुनिए, आपको समझ में आएगा कि झारखंड की स्थितियां क्या है, आपको समझ में आएगा कि अधिकारियों ने किस स्तर का भ्रष्टाचार कर रखा है। अगर आप पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसिए, क्योंकि ये झारखंड के लोगों की डिमांड है। झारखंड सांस नहीं ले पा रहे ऐसे अधिकारियों के कारण, झारखंड के लोगों का दम घुट रहा है। आप सोचिए, थाना में 1000 रुपए डिसमिल दाम मांगा जाता है, अंचलाधिकारी 5000 रुपए डिसमिल मांगते हैं, एनआईसी में 5000 रुपए डिसमिल का जो रेट है वो फिक्स है, अपने सरकारी ऑफिस में बैठा करके और पैसे की बात होती है, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या होगा। ये तो स्थिति है फिलहाल झारखंड की, और ये नहीं है कि ये इस सरकार में उस सरकार में, 2000 में जब झारखंड बना है तब से लेके आज तक, अगर बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि जेएमएम वाले तो बोलते हैं बीजेपी, दोनों का पब्लिक मुंह नोचलेगा। वो तो ठीक है कि पब्लिक बेवकूफ है, जाति धर्म पर वोट देता है, वरना जो जेन्युइन मुद्दे है ना, अगर उन पर वोट दिया जाए तो ना कोई सांसद को वोट मिले, ना कोई विधायक को वोट मिले, नोटा जीते। बिल्कुल जी लोकेश, बिल्कुल। अब इस बाबत आगे केंद्रीय जांच एजेंसी को और सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद अभिषेक भारती जी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।